तो अब हम लोग जानते हैं, अब आ जाते हैं हम लोग स्लिप पे, स्लिप के टॉपिक पे हम लोग वापस आ जाते हैं। तो स्लिप आपको समझा दिए, आपको फ्रिक्शन का एग्जांपल देके भी स्लिप समझा दिए। अब आपको पता है कि सिंक्रोनसली रोटेटिंग रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स जो स्टेटर में है वो ns से रोटेट कर रहा है, उसी डायरेक्शन में आपका रोटर जो है वो nr से रोटेट कर रहा है। और आपको पता है कि nr इज ऑलवेज लेस देन ns, तो यहां जो डिफरेंस है ना दोनों के बीच में, इसको हम लोग बोलते हैं स्लिप स्पीड। मींस ns माइनस nr, ये जो डिफरेंस हो गया इसको बोलते हैं स्लिप स्पीड। दिमाग में बैठा लीजिएगा। और जैसे ही इसको कंपेयर कर देंगे सिंक्रोनस स्पीड से, वो बन जाएगा स्लिप। यानी इसी को जब कंपेयर कर देंगे ns माइनस nr और कंपेयर कर दिए ns से, तो ये बन गया आपका स्लिप, जिसको हम लोग s से इंडिकेट करते हैं। याद रहेगा ये स्लिप स्पीड है, ये स्लिप है, ठीक है। तो ये आपका स्लिप स्पीड हो गया। डेफिनेटली दो स्पीड का ये डिफरेंस है, सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड का डिफरेंस है। तो ये हमेशा आरपीएम में होगा, अगर आरपीएम में ये दोनों क्वांटिटी है, या अगर दोनों क्वांटिटी आरपीएस में है तो ये आरपीएस में होगा। लेकिन ये रेशियो है, इसका कोई यूनिट नहीं होगा, ये रेशियो है। तो हमेशा याद रखिएगा ये स्लिप स्पीड होता है, ये आपका स्लिप होता है, जिसको हम लोग एस से इंडिकेट करते हैं। और जैसे ही इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे वो परसेंटेज स्लिप हो जाएगा, ठीक है। यानी इसको अगर हम ठीक से लिखें तो हम लोग लिखते हैं ये है आपका स्लिप स्पीड। ये आरपीएम में अगर दिया हुआ है दोनों यूनिट तो आरपीएम में होगा, अगर आरपीएस में दिया हुआ है तो आरपीएस में होगा, ठीक है। आपका स्लिप यानी एस, ये स्लिप है, यानी एस इज इक्वल टू एन एस माइनस एन आर बाई एन एस। और डेफिनेटली ये रेशियो है तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा। जैसे ही इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे वो हमें मिल जाएगा परसेंटेज स्लिप। परसेंटेज स्लिप का मतलब एस परसेंट, और ये हो गया ठीक है। तो ये तीन चीजें हमेशा ध्यान में रखना है, स्लिप स्पीड, स्लिप और परसेंटेज स्लिप। अब देखो स्लिप से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं, इससे एक और कंक्लूजन निकाल सकते हैं, इसको एक नाम दे दीजिए, इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर टू एंड इक्वेशन नंबर थ्री। इक्वेशन नंबर टू को आगे लिख लेते हैं, इक्वेशन नंबर टू से हम लोग निकाल सकते हैं एस एन एस, इधर डिनोमिनेटर को इस साइड ले गए, ठीक है। इससे अल्टीमेटली रीअरेंज कर सकते हैं हम लोग इक्वेशंस को, रीअरेंज करके अगर एनआर को इस और ले आए
क्लियर है, समझ में आ रहा है? हाँ बोलो। तो यहां से एक रिलेशन हमें ये भी मिल गया, मेक इट इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो ये स्लेप का कंसेप्ट हो गया।